कोई है जो मुरली को बड़ी भावना से पढ़ेंगे, सुनेंगे, लेकिन वार्तालाप का क्लास ध्यान नहीं देते हैं। समझते हैं ये तो दूसरे लोगों के प्रश्न हैं, जो अनिच्छे बुद्धि लोग हैं उन्होंने ये प्रश्न किए, उन्होंने ये ख्यालात निकाले, लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला है? बातचीत करते हैं, ये मुरली नहीं है क्या? इसका क्या मतलब हुआ कि बाबा बच्चों से जो बातचीत करते हैं वो भी मुरली है? जितने भी क्षत्रियुग और त्रेता में देवी देवता होंगे उतने ब्रह्म मुखोत्सवी यहाँ बनते हैं। हाँ जी, क्षत्रिय जैसा लगे यहाँ बनते हैं। यहाँ माने संगम युग में मुखवंशावली मुख की बात को फॉलो करने वाले, ये दारी को फॉलो करने वाले नहीं, राम और कृष्ण के, राम के भक्त इब्राहिम के बंदे नहीं, लेकिन जो मुख से बात निकली है और किसने निकाली है ये भी उनकी बुद्धि में बैठता है कि बात निकालने वाला शिव है, राम कृष्ण की आत्मा ये बात बोलने वाली नहीं है, तो वो आत्माएं यहाँ निकलेंगी। जो 10 करोड़ मुखवंशावली मुख की निकली हुई बातों को फॉलो करने वाले जितना ही भी सत्युग त्रेता में द्वापर युग से नहीं, 33 करोड़ तो द्वापर युग से काउंट किए जाएंगे, मान सत्युग त्रेता में भी काउंट किए जाएंगे 10 करोड़, लेकिन बाकी 23 करोड़ जो है वो द्वापर कलयुग में भी ऊपर से नीचे उतरेंगे, देवता धर्म की आत्माएं, उनकी बात नहीं बोली। जो सत्युग त्रेता में आने वाली आत्माएं हैं 10 करोड़, वो यहाँ मुखवंशावली बनेंगी ब्राह्मण, बाकी सब हो गए कुखवंशावली ब्राह्मण। जो टीके परिवार में अभी जो शरीर छोड़ते जा रहे हैं, जो 4 जन्म नहीं लेते हैं, वो आत्माएं किसमें प्रवेश करेंगे? कि परिवार में ब्रह्मा सर ने शरीर नहीं छोड़ा, मम्मा ने शरीर नहीं छोड़ा, वो 84 जन्म नहीं लेंगे? जो 84 जन्म नहीं लेते वो आत्माएं किसमें प्रवेश करेंगे? अने 84 जन्म हम लेने वाले से कम लेने वाले, हाँ जी, जिन्होंने 84 से कम जन्म लिए हैं वो किसमें प्रवेश करेंगे? हिसाब तो क्लियर हो जाता है कि जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं राधा कृष्ण जैसी आत्माओं ने, वो सूर्यवंशियों में प्रवेश करती है। किसमें प्रवेश करती है? सूर्यवंशियों में। और जो सूर्यवंशी नहीं है, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, वो मान लो 83 जन्म लेने वाले हैं, वो भी तो ब्राह्मण बनेंगे। तो जो 83 जन्म लेने वाले हैं वो किस में प्रवेश करेंगे? 82 जन्म लेने वाले किस में प्रवेश करेंगे? हिसाब तो क्लियर हो जाता है। जहाँ होता है उधर भी ऐसे, यहाँ अभी हो रहा है, जिन्होंने 84 जन्म लिए राधा कृष्ण जैसी आत्माओं ने, वो किस में प्रवेश कर रहे हैं? पूरे 84 जन्म लेने वाले 4.5 लाख है, उनमें प्रवेश करते हैं, चाहे वो प्रजावर्ग के हो, चाहे वो राजवर्ग के हो, राज परिवार के हो, चाहे दास दासी बनने वाले हो। सूर्यवंशियों में भी दास दासी है, सूर्यवंशियों में भी प्रजा है, सूर्यवंशियों में भी राजा महाराजा है। तो जो जिस कोटि के हैं वो उसी कोटि में प्रवेश करेंगे। 84 जन्म लेने वाले हैं
तो 84 जन्म लेने वाली सूर्यवंशी में प्रवेश करेंगे। 83 जन्म लेने वाले हैं तो जरूर सेकेंड डायनेस्टी के नारायण के होंगे। सेकेंड नारायण आवेगा उसके पीछे पीछे आवेंगे तो किसमें प्रवेश करेंगे? जो इस्लाम धर्म के होंगे, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले होंगे उनमें ही उनका प्रवेश होगा। जो 82 जन्म लेने वाले होंगे वो किसमें प्रवेश करेंगे? बौद्ध धर्म वालों में प्रवेश करेंगे। इसलिए बोला है कि मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, एक एक के घट घट की बात नहीं जानता हूँ, एक एक का पार्ट बैठ करके नहीं खोलूंगा। लेकिन तुम बच्चों के अनेक जन्मों की हिस्ट्री आकर के बता देता हूँ, माना फार्मूला बता देते हैं। जैसे गणित में फार्मूला होता है ना, ये प्लस ये बराबर ये, तो ऐसे भी ये फार्मूला लगाते जाओ और एक एक के अनेक जन्मों की कहानी बोलते जाओ। विजयमाला के हेड को आवाहन कर लो, विजयमाला सब अपने आप आवाहन हो जाएगी। नहीं विकारों के मुखिया का आवाहन कर लो, काम विकार का, तो काम विकार के पीछे पीछे उनका सारा ग्रुप अपने आप आ जाएगा। विजयमाला का आवाहन करने का मतलब 108 मणकों को अलग अलग आवाहन करने की बात नहीं है। बाबा तो थोड़ा इशारे में बोलते हैं, ऐसे सीधा सीधा थोड़ा ही बोलेंगे। राधा का आवाहन करो या पार्वती का आवाहन करो, समझदार हमको चित्रम का दरकार नहीं थी और चित्रम से तो और ही मुझे आवे समझदार हमको चित्रम का दरकार नहीं। छोटे बच्चों को चित्रों पर समझाया जाता है, आ से आम, कहा से कबूतर, जो समझदार है उनके लिए चित्रों की जरूरत है। पवित्र तो होने सके खाली ध्यान सुनने से पवित्र तो ये कहाँ कहा कि सुनते ही रहो धारण नहीं करो। लेकिन याद तो सुनने के साथ साथ ये भी तो कहा दूसरों को सुनाते रहो। सर्वसेवल बच्चों को बाप खुद याद करते हैं, तो जिन बच्चों को बाप खुद याद करेंगे तो उनको धारणा होगी कि नहीं, उनकी बुद्धि परिवर्तन होगी या नहीं होगी? हमारी अपनी याद से उतनी पावर नहीं आती है कि सारा ज्ञान हम धारण कर सके, लेकिन एक बात तो कर सकते हैं कि हमको जब गारंटी दे दी है बाबा ने कि दो रोटी खाने के लिए जरूर मिलेगी, मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते, तो फिर दुनिया में धंधों में जाने की दरकार क्या है? क्यों ना 24 घंटे ईश्वरीय सेवा में लगा दें? इतना तो हम कर सकते हैं, चलो ज्ञान धारण नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि हमारी सख्त नहीं है, याद नहीं रहता है, लेकिन इतना तो कर सकते हैं। चलो तन की ताकत है तो तन की ताकत ईश्वरीय सेवा में तो लगा सकते हैं। अच्छा चलो ज्ञान नहीं सुना सकते, बहुत कहते हैं हम ज्ञान नहीं सुना सकते, हमें कुछ याद ही नहीं रहता। अच्छा बर्तन मार सकते हैं कि नहीं, झाड़ू लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं लगा, नहीं लगा सकते। क्यों क्यों नहीं लगा सकते? हाथ पांव टूटे हैं। आ सकते हैं, झाड़ू नहीं लगा सकते।
क्या होता है कि बार बार ये बात आती है ना कि रुद्रमाला के मणके तो लंगड़े हैं और विजय माला के लंगड़े तो नहीं है, विकारों के लंगड़े तो नहीं है, लेकिन अंधे तो है। तो एक डिफेक्ट उनमें है तो एक डिफेक्ट उनमें है, लेकिन पवित्रता को ज्यादा मान दिया जाता है। क्या पवित्रता को मान ज्यादा होता है, इसलिए विजय माला की तरफ बुद्धि ढुल जाती है। लेकिन बाप ये नहीं देखते कि ये अपवित्र है या पवित्र है। क्या क्या देखते हैं? अपवित्र है ये नहीं देखते, भविष्य का रूप देखेंगे, वर्तमान अपवित्रता का रूप नहीं देखते। तो क्या देखते हैं बाप? जो विजय माला में नहीं देखते वो रुद्रमाला में देखते हैं। रुद्रमाला को पहले क्यों उठाते हैं? बाप की पहचान है, हाँ शक्ति की पहचान है। क्या विजय माला के मणकों को शक्ति की पहचान नहीं है? जो जीवन में 63 जन्मों में सच्चा रहा होगा उसको शक्ति की पहचान होगी। 63 जन्मों में अगर झूठ रहा होगा तो उसको सत्य की पहचान पहले हो नहीं सकती। पापात्मा में पाप बढ़ाने के लिए बाप को रहम आता है, यह है एक बात। अब एक तरफ बाबा खुद बोलते हैं मुझे याद करो तो कर्म विनाश होंगे, ये भी है, है? मतलब बात खोल ही नहीं, बात आप खोल के नहीं पूछ रहे। नहीं नहीं फिर से बोलिए। हाँ एक तरफ बोलते हैं पाप में पाप बढ़ाने का रहम करने बाप आए हैं। क्यों रहम करते हैं? इसलिए करते हैं कि बच्चे जो हैं वो इतने पापी नहीं बन सकते हैं तो दुनिया का ध्वंस हो जाए। अति हो जाए तभी तो अंत होगा। अगर दुनिया में आती ही नहीं होगी तो अंत कैसे होगा? तो बच्चों में इतनी ताकत नहीं है। बच्चे जो हैं देवात्मा बनने वाले हैं, भगवान भगवती बनने वाले। देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल कौन है? ब्राह्मण देवताओं से भी ज्यादा पावरफुल कौन? भगवान न ब्राह्मण बनता है, न देवता बनता है, न क्षत्रिय बनता है, न शूद्र बनता है। क्या बनता है? 16 कला संपूर्ण बनता है? नहीं, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, ये भगवान का टाइटल है क्या? तो भगवान तो वो चीज है जो सबका बाप है। क्या बड़े से बड़े राक्षसों का भी बाप बनते हैं, संसार में प्रत्यक्ष होता है। और बड़े से बड़े जो पुण्यात्माएं हैं उनका भी बाप बनकर के प्रत्यक्ष होता है। धर्मराज का पाठ जब तक चलेगा और कृष्ण जन्म तक चलेगा या बाद में भी चलेगा? एक राजा चला जाता है तो क्या राजा ही नहीं चलती है? चलती है ना, कोई वारिसदार आता है ना। तो ऐसे ही धर्मराज जाएगा सुप्रीम कोर्ट में हर वर्ष कोई न कोई, हर महीने मोस्टली चीफ जस्टिस बदलता रहता है। तो एक जाता है तो दूसरा आ जाता है। तो ऐसे ही यहाँ भी है। कौन से धर्म का होगा? उसी धर्म का होगा जो नियमों पर बहुत कठोर हो, कठोरता से पालन कर सके। अब आप सोचा जाए कि दुनिया में इतने धर्म हैं, उन धर्मों में से सबसे कड़ा धर्म कौन सा है जो नीति नियमों को बड़ी कड़ाई से फॉलो करता है? देवता धर्म वाले कड़ाई से फॉलो करते हैं, घड़ी घड़ी कड़वाट होते रहते हैं, जिसने जो बात कही हो उसी की बात मान लेते हैं। हाँ इस्लाम धर्म
मुसलमान धर्म के लोग जो पक्के होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं हो सकते, अपने बीवी बाल बच्चों को भी कन्वर्ट नहीं होने देंगे। तो ये नहीं है मतलब कि इस्लाम धर्म का होगा, इस्लाम धर्म का नहीं होगा, लेकिन इस्लाम धर्म के आखिरी जन्म में गुण धर्म कुछ न कुछ उस आत्मा में समा गए होंगे। 63 जन्मों का जो स्वभाव संस्कार है भले सूर्यवंशियों का पक्का रहे, लेकिन माया किसी को छोड़ती नहीं है। कम से कम कोई भी आत्मा क्यों न हो उसको आखिरी जन्म में जरूर पकड़ लेगा। तो जो अष्टदेव हैं, उन अष्टदेवों में से एक भी ऐसा नहीं बचता जो कोई न कोई धर्म में कन्वर्ट न हो जाए। कोई कहे बाप, वो तो अष्टदेवों में से पहला है। ईशान कोण में ईश्वर के रूप में दिखाया गया है, शंकर के रूप में बैठाया जाता है, तो उसके लिए तो मुरली बोल दिया। क्या बोला? कौन से धर्म का है? यादव का है। नहीं है? यादवों का हेड तो है। जो यादव हैं, उनमें भी वस्त्र किसने के कौन है? खराब से खराब कौन कर रहा है? किसी जो क्रिश्चियंस हैं उनके दो हिस्से हैं, दो प्रभाग हैं। एक है आस्तिक माने जाते हैं, गिरजाघर को मानते हैं, क्राइस्ट को मानते हैं, और एक है न गिरजाघर को मानते हैं न क्राइस्ट को मानते हैं, एकदम नास्तिक, दुनिया में किसी को नहीं मानते साकार के। इसलिए मुरली बोला भारत इस समय पूरा नास्तिक है, और मैं आता किस में हूँ? भारत में आता। तो वो तो सबसे ज्यादा नीचे गिर गया। जो रसिया साइड के लोग हैं, वहां जो गवर्नमेंट चलती चली आई अभी तक, वहां तो पारिवारिक व्यवस्था ही नष्ट कर दी। जैसे भारत में परिवार के मुखिया को मुख्य मानते हैं, अपने अपने घर का राजा बना हुआ बैठा है। परिवार का मुखिया कैसा होता है? जैसे अपने घर का राजा। लेकिन वहां तो वो पारिवारिक व्यवस्था ही खत्म कर दी। बच्चा पैदा होते ही नर्सिंग होम में डाल दिया जाता है, थोड़ा बड़ा हुआ नर्सिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, थोड़ा और बड़ा हुआ हॉस्टल में डाल दिया जाता है, पढ़ाई पूरी हुई ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिया जाता है, ट्रेनिंग पूरी हुई नौकरी पेशे में जाओ, गवर्नमेंट की सेवा करो। अब ऐसा बच्चा, उसको याद रहेगा कि मेरी माँ कौन है, मेरी बहन कौन है, मेरी बेटी कौन है? हो गया पूरे नास्तिक। तो जो आठ देवताएं हैं वो आखिरी जन्म में आके सबसे जास्ते नीचे गिर जाते हैं। वो एक जन्म का जो स्वभाव संस्कार है उस आखिरी जन्म में काम आता है। क्या क्या काम आता है? बुरी चीज भी काम आती है, बुरी चीज काम नहीं आती है? अरे घर परिवार में कौन सी चीज सबसे ज्यादा बुरी निकलती है? घर परिवार हो शहर हो, सबसे बुरी से बुरी चीज क्या निकलती है जो कोई अपने घर में नहीं रखना चाहता?
अरे इतनी भी बात नहीं मालूम है? कचरा मलमूत्र कोई अपने घर में रखना चाहता है क्या? नहीं, लेकिन वो कचड़े को भी यूटिलाइज करके खाद बनाई जाती है। इतना पावरफुल बन जाता है कि सरसब्ज कर देता है। तो ऐसे नहीं, जो खराब है वो हमेशा खराब ही रहता है, खराब को भी अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये भी भाव नहीं आना चाहिए कि अष्टदेव क्या है। अरे कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई क्या है, कोई नास्तिक है। अरे आत्मा को देखना है या देह को देखना है? आत्मा को देखेंगे तो उसके 84 जन्म दिखाई पड़ेंगे या आखिरी जन्म दिखाई पड़ेगा? वो ये आत्मा किसी धर्म की होती है क्या? शरीर किसी धर्म का होता है? आत्मा तो किसी धर्म विशेष की नहीं होती। मान लो किसी ने आंध्रा में जन्म ले लिया आखिरी जन्म में, तो ये बुद्धि में रहना चाहिए ये आंध्रा आंध्रा गए, आंध्रा में तूफान बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा पाप कर्म किए होंगे इसलिए इतने तूफान आते हैं, इतनी विघ्न बाधाएं से पसार होना पड़ता है। नहीं, शरीर ने जन्म लिया है, शरीर का ये आखिरी जन्म है, ये जन्म है। आत्मा तो पता नहीं कहाँ कहाँ जन्म लेती रही है। क्लियर हो जाएगा ये देह अभिमानी कौन है और आत्मा अभिमानी कौन है। आपका प्रश्न समाधान हो गया? क्या अष्टदेव में क्योंकि बाप के बच्चों में जो पहलौटी के बच्चे होंगे वही तो वारिसदार बनेंगे। तो धर्मराज का पाठ बजाने वाला कौन होगा? जो आखिरी जन्म में अष्टदेवों में से इस्लाम धर्म में मुस्लिम धर्म में जाता है वही कड़ाई से पालन करेगा नियमों का। और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस अकेला होता है क्या? अकेला होता है, उसकी बुझाई नहीं होती, सहयोगी नहीं होते। तो जैसा वो होता है वैसे उसके सहयोगी भी वैसे ही होते। वो कहते हैं अभी फाइनल पेपर शुरू हुए हैं कि नहीं शुरू हुए हैं? क्या कहेंगे, फाइनल पेपर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं? रिजल्ट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है? रिजल्ट भी निकल रहा है, रिजल्ट निकल रहा है। तो आप पहले अष्टदेव पहले डिक्लेयर होंगे या पहले 108 डिक्लेयर हो 100 डिक्लेयर हो जाएंगे? अष्टदेव पहले डिक्लेयर होते, डिक्लेयर होना शुरू भी हो गया। पहला नंबर डिक्लेयर होता है, लेकिन पहले नंबर के लिए निश्चय अनिश्चय 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 सबको चलता रहता है। चलो उसकी बात छोड़ दो, दूसरा डिक्लेयर होता है। तो जब पहले के लिए निश्चय अनिश्चय चलता रहता है तो दूसरे के लिए निश्चय अनिश्चय का चक्र नहीं चलता, उसके लिए भी चलेगा। फिर तीसरा भी डिक्लेयर होता है, नहीं डिक्लेयर होता है तो पूछने वाले पूछने लग पड़ते हैं।
खींच के क्लियर कर लेते हैं। अनुभव करने वाले भी अनुभव करते हैं, हाँ ये व्यक्ति ऐसा ही है, ठप्पा लगा देते हैं। ये बोला है अभ्यक्तवाणी में, बाप दादा नहीं बतावेंगे तुम्हारा नंबर, माला में नंबर बाप दादा नहीं बतावेंगे, तुम्हारा पार्ट बाप दादा डिक्लेयर नहीं करेंगे, अपनी अपनी चलन से, अपने अपने चेहरे से, अपनी अपनी भाषा से, हर एक अपना पार्ट डिक्लेयर करेगा, दूसरे भी अनुभव करेंगे हाँ इनका यही पार्ट है, और किसी कोई आदमी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे बाप का पार्ट का चिंतन सबकी बुद्धि में चलता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, भटकती रहती है ना बुद्धि, निश्चय अनिश्चय का चक्र तो चलता रहता है ना। भगवान के पार्ट के बारे में जो भी ज्ञान में आए हैं आपका एडवांस में, ऐसे ही अष्टदेवों में तो जो दूसरा नंबर होगा, तीसरा नंबर होगा, चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नंबर होगा, अपने अपने को अपने अपने ग्रुप का ज्यादा चिंतन चलेगा। और है 10-15 मिनट बाबा, स्टेज जो है हर आत्मा का जब मनन चिंतन मंथन जब खत्म हो जाता तभी होगा बैलेंस। उनकी बुद्धि पहले से ही जामड़ी होती है, नहीं चलता है मनन चिंतन मंथन, या कोई पक्का फॉलोअर बन चुका है आज से अंत तक और किसी धर्म में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, लेकिन उस पद पाने वाला भी नहीं है, लेकिन वो अपने धर्म का ही आज से अंत तक पक्का रहेगा। तो उसको मन चिंतन मंथन चलेगा, मान लो कोई आत्मा ऐसी है जो आज से ही लेकर के अंत तक अंतिम जन्म तक एक कोई फॉलो करने वाली रही, भले वो नीचे गिरता है तो वो भी नीचे जाता है, वो कहीं करवा दूसरे धर्म में जन्म लेता है तो वो भी उसके साथ साथ दूसरे धर्म में जन्म लेता है, तो उसका मनन चिंतन मंथन चलेगा फिर कि फिक्स कर दिया मत होके रहेगा। जब टाइम आएगा तो उसका अपना नंबर डिक्लेयर हो जाएगा। जब पहचाना तो उस समय सतो प्रधान शूटिंग के आदि में आए थे 100% स्टेज में या 0% स्टेज में आए थे? अरे सतो प्रधान स्टेज में आए थे ना, तो बाप को पहचान लिया, फिर बाद में संघ के रंग में आते आते अटरम बटरम होते होते निश्चय निश्चय के चक्र में आते रहे, निश्चय निश्चय के चक्र में आते हैं तो फिर अपोजिशन भी करने लग पड़ते।
और विषय पढ़ने वाला ऐसा नहीं है बाबा है? तो हम लोग जो कुछ छिपाते आए हम उसे हम एक ही में बस रहा है। ऐसे तो विशाखापट्टनम का मतलब ही है बेमाना विपरीत, शाखा माना धर्म की शाखा, विपरीत धर्म की शाखा पट्टनम क्या? बाबा विपरीत धर्म की शाखा वालों से पट्टी नहीं है माना विशाखापट्टनम। और दूसरा अर्थ एक और है वे माने विशेष और शाखापट्टनम विशेष शाखा से जो विशेष शाखा है उसके साथ पट्टी है। एक एक शब्द के जैन धर्म में 12-12 तरीके का अर्थ निकाल लिए जाते हैं। अब आत्मा जो संस्कार भरे हुए ना ज्ञान में आने के बाद उसमें थोड़ा चेंज ना होता है, हम बहुत देखा था चेंज नहीं होता है, हैबिट बहुत चेंज होता है। हैबिट के लिए खाना पीना रहने में बहुत चेंज होता है, थोड़ा चेंज नहीं होता है मेरे का। 63 जन्मों में हमने जाने कहाँ 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 किसका संग करंग लिया है। जब अच्छों का संग लिया है तो अच्छा परिवर्तन होगा, बुरों का संग लिया है तो शूटिंग पीरियड में वो देखने में आएगा। तो भाई इसको कैसे मोल्ड करना, ये तो बुद्धि तो है, बुद्धि तो मिली है हमें, कितना संग करना चाहिए इसको आप तो बोल दो है, रास्ता बोलिए बताया ना, वो बुद्धि तो मिली हुई है हमें किसका संग करना चाहिए। बाबा ने तो रास्ता बता दिया क्या, ऊंचे से ऊंचे एक थे बाबा, एक का संग करेंगे तो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे ना, नीचे क्यों बनेंगे। फिर माया वायलोरा डालती है ये तो ऐसा खराब है, भगवान हो नहीं सकता। भगवान को मानता है अंदर मानता है, भगवान जो बोल तो करता है, संस्कार में चेंज होता है। संस्कार से तो संग चेंज होना चाहिए ना, भगवान जब कहते हैं सब धंधों में है नुकसान तो बुद्धि में बात बैठती क्यों नहीं है, सब धंधों में धूल, जय अभिमान की धूल बढ़ाने वाले, फिर बुद्धि में बात बैठनी चाहिए ना। एक से सदगति और बाकी सब से दुर्गति। ऐसे नहीं संस्कार चेंज होंगे, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन लगेगा, कोई कारखाना बना दिया और सारा पैसा उसमें लगा दिया जिंदगी भर की कमाई बाप दादे की कमाई, तो बुद्धि कहाँ जाएगी, उसी कारखाने में जाएगी कि ना, उसमें आग लग गई तो क्या होगा, हार्ट फेल होगा कि नहीं होगा। इसलिए ये फिक्रा ही याद नहीं रहता है कि जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। अब हम अंदाज लगाएं, ये पोता मेल निकालें कि तन और धन हमारा परसेंटेज में ज्यादा कहाँ जा रहा है। अगर सत्य के संग में जा रहा है तो क्यों नहीं सुधार होगा, वो तो सबका अपना अपना हिसाब किताब है, किसी का अनुदोष ज्यादा हो सकता है, किसी का संग दोष ज्यादा हो सकता है, किसी का दोनों ही ज्यादा हो सकता है, कोई ऐसे भी होंगे जिनको संग दोष भी कम लग रहा होगा और अनुदोष भी कम लग रहा है, या उन्होंने बिल्कुल ही चेंज कर दिया होगा, न संग दोष लगने देंगे और न अन्न दोष लगने देंगे, पक्के हैं। मजाल जो उनको कोई एक निवाला कुछ दूसरी चीज खिला दे अपने आप की बनी हुई, और संग दोष अन्न दोष भी वो पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है।
जन्मों की रील खुली हुई होती है, कितना भी नियम पर पक्का हो फिर भी वो पूर्वजन्म का संग का दोष लग ही जाता है। पूर्व मारा के जब बीच चलो तो मनते हैं उनका तो बाद में शरीर बदलेगा। बाबा मुरली बोला कि हार्मोन चेंज होना अच्छा माना जाता है कि बाबा तो कुछ भी नहीं बोला हार्मोन चेंज होने बारे में। हर जन्म जन्म हम हार्मोन चेंज करते आए हैं, ये क्या बड़ी बात हुई? स्त्री से आदमी पुरुष बन जाता है, पुरुष से स्त्री बन जाता है, ये कोई खराब बात हो गई क्या? है बात बुद्धि में, ये खराब बात है, ये बात क्यों आई बुद्धि में? देवान है ना, अरे जब हमने आधे जन्म स्त्री के आधे जन्म पुरुष के लिए है तो देवान क्यों आता है? कि पुरुष जन्म में ही रहना अच्छा है या स्त्री जन्म में ही रहना अच्छा है? बाबा ये हिंदी ना जानने के कारण बहुत से भाई बहन लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। ये शिकायत नहीं कर सकते, बाबा के पास ऐसे ऐसे सैंपल भी है, विदेश में रहते हैं, सारी जिंदगी विदेश में रहते हुए हो गई उनको, बाल बच्चे पैदा किए, शादी की, कमाई की, घर बनाया, रहते हैं, और ज्ञान में आने के बाद एक साल के अंदर अंदर उन्होंने हिंदी सीख ली, मुरलियां पढ़ना सीख लिया, मुरली बोलना सीख लिया, क्लेरिफिकेशन करना सीख लिया और बातचीत करना सीख लिया, लेटर लिखना सीख लिया, और मुरलियों की पढ़ाई पढ़ के उसमें से ये अलग अलग करना सीख लिया, कौन सी मुरली ब्रह्मा कुमारियों के लिए है, कौन सी मुरली प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए है, कौन सी मुरली साधारण पब्लिक के लिए, एक साल के अंदर। आप कहेंगे अरे वो विदेशी तो तीखे बुद्धि वाले होते हैं, उनकी त्योहार छोड़ दो, आंध्र प्रदेश में ले लो इंडियंस की बात, एडवांस की भर्ती करने के पहले का खा गा घा नहीं जानते थे क्या? नहीं है बारह खड़ी नहीं जानते थे, हिंदी का एक शब्द नहीं बोल सकते थे और एक साल के अंदर भाषण देना शुरू कर दिया। करने वाला क्या नहीं कर सकता है? बाप का आप भाग रहा है क्या साथ देने के लिए? कि नहीं तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, औरों के साथ ही रहेंगे। कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। क्या तरीका निकालना पड़ेगा? सबसे बढ़िया तरीका है वो सब जानते हैं, दुनिया में हर एक आदमी जानता है, हर भाषा का जो विद्वान होगा टीचर होगा वो जानता है कि सोसाइटी चेंज करने से भाषा जल्दी आ जाती है। ये क्या बड़ी बात है? आदमी ऐसी सोसाइटी में रह नहीं सकता जहाँ हिंदी बोलने वाले हो, ऐसी सोसाइटीज नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में तो और ही अलग अलग सोसाइटी के लोग अलग अलग इकट्ठे होकर के रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में हो सकता है, लेकिन छोटा छोटा गांव में ऐसा मुश्किल हो जाएगी। तो गांव की प्रॉपर्टी बेच करके शहरों में नहीं ले ली जाती है क्या? आदमी आमादा हो जाए तो क्या नहीं कर सकता है? फैसला लेने की बात है, हमें भगवान का ही संग करना है, सत्य का ही संग करना है, असत्य का संग नहीं करना है। हिंदी नहीं जानने के कारण बहुत माता कई लोग आपको कुछ प्रश्न पूछ नहीं पाते।
का फैसला कर ले, हमें हिंदी सीखनी ही सीखनी है तो सीख नहीं सकता। सब लोग टीवी में हिंदी सिनेमा देखता है, इसे हिंदी सीखने का मुश्किल है। सब टीवी से हिंदी सीरियल हिंदी टीवी देखता है। हाँ, हिंदी टीवी देखते हैं, हिंदी सीख जाते हैं। सिनेमा उसको समझ में आता है, मंडी समझ आओ बाद में। मुर्गी में लगाव नहीं है ना, टीवी में लगाव है तो टीवी देखते देखते हिंदी सीख लेते हैं। नहीं, बहुत सी माताएं भी आई थी हैं जिन्होंने बाबा की हिंदी वाणी सुन सुन करके हिंदी बोलना सीख लिया। वो टीवी नहीं देखती है, वो कोई फिल्म देखने नहीं जाती है। अभी घर में सबका टीवी है। मुरली में तो समझ में आता है, बाबा से बातचीत करना नहीं आता। बाबा से बातचीत करना सीख लिया मुरली सुन सुन करके। यहाँ तो हिंदी बोलना सीख लिया, मुरली समझ में आता है ये माता उनको। बात नहीं कर पाता। अमृत वेला बैठ करके कभी बाबा से हिंदी सीखना शुरू किया? बाबा से रूरियान किया हिंदी में? पक्का फैसला कर ले कि हमको एक घंटा बाबा से हिंदी में ही बोलना है। अच्छा, कम से कम जब क्लास होता है, जो रोजमर्रे का क्लास होता है, उसमें पक्का फैसला कर दे कि हिंदी ही बोलनी है, हिंदी में ही जवाब देना। वही फैसला बाबा। हाँ, क्लास में तेलुगु में ट्रांसलेशन का भी कर सकते हैं क्या, जो बाबा का मुरली चलता है? हाँ, बाबा बोलते जाए एक वाक्य, उसका अनुवाद करता जाए कोई जो जानता है, अच्छा जानकार है तो है। हिंदी हिंदी में ही वो तेलुगु में ही अनुवाद करता जाए, और काय में हिंदी का अनुवाद तेलुगु में करेगा तो क्या हुआ, खराब बात है? अच्छी बात नहीं? कम से कम जब क्लास में आते हैं तो ये पक्का फैसला करें, तब ये पक्का मिलजुल करके ये फैसला कर लें क्या कि हमें क्लास में हिंदी ही बोलनी है। जी, क्लास में ऐसे कोशिश कर रहा है, क्लास में है कोशिश कर रहा, फिर भी कहीं कहना कहीं तेलुगु में बताना पड़ता है। तो हिंदी भी बोला, तेलुगु भी बोला, कम से कम हिंदी जो बोली हुई है वो तेलुगु में समझ में आ गई ना। कुछ ना कुछ कहीं कहीं समझ में नहीं आ रही तेलुगु में है, को ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ना बोलने वाले हैं वो टूटी फूटी कम से कम हिंदी बोले हैं। फिर अंदर से देवान आता है, अरे कोई हंसने लगेगा, बेइज्जती हो जाएगी। विशाखापट्टनम पार्टी जब पहले पहले गई थी, एडवांस में भर्ती कर ले तो जल्दी जल्दी पार्टियां जाती थी, वहां रहना होता था तो उस समय हिंदी जल्दी जल्दी सीखना शुरू किया था कि नहीं? अभी वही माता है जो वहां हिंदी बोलता हुआ देखा, हिंदी में बात करता हुआ जिनको समझा, अभी वो यहाँ आकर के बिल्कुल चुप हो गई। '82 में एक महीने डेढ़ महीने के लिए दक्षिण भारत में गए थे, वहां चेन्नई वो मद्रास में तो कोई हिंदी बोलता ही नहीं, एक महीने के अंदर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद अब फिर अड़चन महसूस होती है बोलने में, तो सोसाइटी मूव करेंगे तो जल्दी आ जाएगी वो भाषा।
चलो टाइम हो ही गया।